सोचा थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, वॉच करें वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो सर इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। देखते हैं खाई सा खाई सा मीम। ओ ये तो वीडियो आई हुई थी। व्हाट ये क्या है? स्वागत है गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है मेरा हर एक वीडियो आप सभी को बस हंसाने के लिए होता है, तो बिल्कुल सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बताना मत भूलना। तो हेडफोन लगा लो एंड बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को शुरू करते हैं। मैं किचन टीम में थी, दूध की राशनिंग होती है, जो अभी भी बोल रहे हैं कि दूध की राशनिंग होती है। जैसे अंडों के लिए सब लड़ते थे कि मेरे दो मेरे दो मेरे दो। ये भी बोलने दो। जेल में रहने के लिए आप उम्र बढ़ा रहे हो सर। पर वो जेल में रहना देश के लिए था, और मुझे लगता है कि देश के लिए जेल में जाना तो एक मैं भी गया था लेकिन देश के लिए नहीं। क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस, हर किसी को यही सवाल पूछना है क्यों बनना है आईएएस। अरे पता है जब घर में बताए कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला, गांव का प्रधान बाप के पास आता तो इज्जत से बात करता है। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं हम लोग, देश के लिए बैठा हुआ है। दो चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खा के। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धरना किस बात का? दिनों बाद कोठे में मिलेंगे हम क्यों भाई? क्या मांगे हैं तुम्हारी? देखो जी हमारी सिंपल सी सीधी सी मांगे हैं। एक तो ये बाउंड्री बड़ी करो, बिल्कुल, और दूसरा एक ओवर में अगर कोई बैट्समैन 3 छक्के मारता लगातार तो उसे आउट दो। आउट से काम नहीं चलेगा, इन्हें बैन करो। ना जी बैन से भी काम नहीं चलेगा, इन्हें डायरेक्ट फांसी दो। सुबह से इसलिए तो बैठा हूँ धरने पे। रात के 12:42 कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन ग्रेगोरियो दे फाल्को कैप्टन शेटिनो को कॉल लगाते हैं और इस कॉल की एक्चुअल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, सुनिए। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? हमको फिर हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। आज पार्टी में रीत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी या मैं? तुम। और इसका वो पिंक लहंगा कैसा लग रहा था? पिंक लहंगा? रीत थोड़ी ना पहनी थी पिंक लहंगा, स्वीटी पहनी थी पिंक लहंगा, रेड लहंगा पहनी थी विद ब्लैक चोली, थोड़ा डीप था। पकड़ा गया बंदा। और मैंने किस कलर का लहंगा पहना है? तुम्हारा तो रात को देख लेंगे ना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिया। क्या बात सर, ना भाई है भाई, अब क्या करें, अब क्या बोले बंदे। यहां को पब्लिक डिमांड की वजह से बुलाया गया, लोगों ने बोला गेट ओजी बॉस लेडी बैक। या इट्स हर चॉइस। क्या बोलो, मैं आज बनूंगी चाइनीज, चाइनीज बन के लोगों से मांगूंगी हेल्प। आई नीड मनी। मनी? मनी क्या होता है? पैसा, पैसा, पैसा। मेरे को अपने कंट्री जाना है। जो कमरे में जितना ज्यादा छोरा रे दहेज मिलता हूँ उतने ज्यादा माल डैमेज मिलता हूँ। ये पूप क्यों लगा रहे हैं आप बताएं? क्योंकि हर लड़की पे मुंह मारता है। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? बहन वो शादीशुदा है। कौन है शादीशुदा? चार्ली। चार्ली शादीशुदा है? अच्छा चार्ली शादीशुदा है। तो क्या हो गया ये भी तो। Let me introduce everybody here. I mean, who doesn't know Poonam ji? Everybody has 4G.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. थैंक यू फॉर इनवाइट. एंड आज भी आने के लिए. आई होप यू डोंट माइंड. नो लेट्स गो. ये तो वो है लेक्चर. क्या सोच के आए आप लेटेड में? मतलब यू नो खुद की एक्चुअली अगर मरवानी हो तो ओनली फैंस रखा है आपने. मेरे पे मतलब ओनली फैंस तक क्यों पहुंच गए थे हम? नहीं है क्या आपका? मर 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 क्यों? भाई तुम कहाँ जा रहे हो बे? कहाँ गया भाई? ओए सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं पक्का जी. आपने कहा था बिग बॉस का अगला सीजन गोवा के बीच पे होना चाहिए. बिल्कुल. तो राशन बंटवाएंगे या रशियन बंटवाएंगे? तभी बोलते हैं केटीएम गलत हाथों में मत पकड़ाओ. तुम लोग बोलते हो कि केटीएम छपरी है. भाई उसको तुम जेड एक्स 10R ही पकड़ा दो तब भी छपरी हरकतें करेगा. बात तो सही है. इन जैसे ही बड़े होके केटीएम चलाते. छोटू 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 सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगती है? के आप पता उसको पता नहीं है भाई. क्यों ये कैसी मम्मी है? मेरी मम्मी तो ऐसी नहीं है. नहीं सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है. मेरी मम्मी की वजह से ही सर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ. उसमें डैडी का भी थोड़ा सा योगदान. दिखाओ कैसे ट्रेन किया तुमने इसको. वो क्या है जल्दी आ गए ना आप. चलो बोलो. हेलो भाई कौन हमको खिलेगा फिर भाई? उसको आवाज में जो जो हमको फिर भाई हमको सभी खिलेगा ना फिर भाई उसको लाऊंगा. कटरीना ने आपको क्यों चूज किया? मुझे लगता है क्योंकि मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता और मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है. मतलब ऐसे GTA की तरह जो भी मेरे सामने आए उसे नहीं उड़ा देता. फिर आके सो जाते. क्यों शकील जी? दूध कहाँ से बेचूं? मेरी भैंस तो भागी हुई है. दो दिन पहले रात को 4 बजे मेरी एक पुरानी दोस्त की कॉल आ गई. मुझे कहीं बरकत है बहुत परेशान. मैंने बोला क्या बता रहे हैं? मैंने कहा बताओ तो सही. कहीं खीरा टूट गया. अभी तक खत्म नहीं हुआ है भाई. अच्छा ये तो फाइनल जब आ गए थे दोस्तों. कौन दिन हो गया हमको देने नहीं. शरीर की जो भी एनर्जी सारी की सारी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठी होती है और यही आपकी सभी पूरी पूरी सेल को क्या है एनर्जी देता है. इसी को पावर हाउस बोलते हैं. ठीक है उसी एनर्जी को आप से निकाल देते हो. तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा. एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन को मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं. इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो. कैसा कैसा? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा. फिर रशियन लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी. फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा उनका. एक युवा 15,000 घर से मंगाता है, कहां से रशियन एंजॉय करेगा? नहीं 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 कुछ ज्यादा ही हो गया. आज से इस घर में सबका झूठ बोलना बंद, क्योंकि अब मैं ये लेकर आया हूँ झूठ पकड़ने वाली मशीन. बेटा कहां से आ रहा है? पापा. रुक इसे पकड़. अब बता कहां से आ रहा है? पापा आज एक्स्ट्रा क्लास थी. क्यों पकड़ गया तेरा झूठ? सच बता कहां से आ रहा है? पापा फिल्म देखने गया था. कौन सी फिल्म देखने गया था? वाग्बा. झूठ बोल रहा है, सच बता. पापा आशिकी 2. बहुत बदतमीज हो गया है. जब हम तेरी उम्र में थे ना तो धार्मिक फिल्में देखते थे. बस करिए, पकड़े गए ना आप भी. झूठ तो बोलेगा ही, आखिर बेटा भी तो आपका है. गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो. वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना. ओके फिर से बना लेते हैं भाई. अच्छा थोड़ा हंसते हैं थोड़ा बहुत, बहुत सारे ये गम वाली तरह तरह के मीम्स इस बार. तो हकीम हम लोगों ने एंजॉय किया, काफी हंसे भी है भाई.
अब हम क्या बोले भाई, मीम इस तरह आ रहे होते हैं भाई हर जगह से, कोई ना कोई सीन आ जाता है, बंदा हैरान रह जाता है भाई। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।